हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के चाहने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि बिग बी बहुत कम इंटरव्यू देते हैं। ऐसे में एक कौन बनेगा करोड़पति ही माध्यम है। यहाँ फैंस को उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से सुनने का मौका मिलता है। इन दिनों बिग बी केबीसी 14 को होस्ट कर रहे हैं। इसी बीच वो अपने लाखों करोड़ों फैंस को अपने मजेदार किस्से कहानियाँ सुनाकर खुश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने बचपन की शरारतों के बारे में बताया। दरअसल कौन बनेगा करोड़पति 14 के प्ले अलोंग एपिसोड में टेक्सटाइल कंपनी में काम करने वाले गुजरात के सौरभ शेखर पहुंचे थे, जो शो में 3,20,000 रुपए जीतकर घर गए। 20,000 रुपए जीतने के बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ अपने बचपन का किस्सा सुनाया, जिसके बाद बिग बी भी अपने बचपन की बात शेयर करते नजर आए। जब कंटेस्टेंट सौरभ ने अपने बचपन का एक किस्सा सुनाया और कहा कि वो एक मैच देखने के लिए घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए पकड़े गए थे, तब उनके पिता ने उन्हें बहुत पीटा था। इस पर अमिताभ बच्चन को भी अपना एक किस्सा याद आ गया। उन्होंने बताया कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बिग बी ने कहा, एक बार मैं कंबल में घुसकर रेडियो पर एक मैच की कमेंट्री सुनने की कोशिश कर रहा था और तभी मेरी माँ ने मुझे पकड़ लिया और मेरी पिटाई हो गई। इसी शो में अमिताभ बच्चन ने यह भी खुलासा किया कि वो सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं, ताकि लोग उनसे सवाल ना कर सके। अभिनेता ने बताया कि लोग पूछते हैं कि शीशा पीछे क्यों है, कहाँ बैठे हैं, इसलिए वो इन सवालों से बचने के लिए अपनी तस्वीर को क्रॉप करके ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं।